तो पिवट टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं गूगल सीट में। उज्जवल जी आपको मैं रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी, आप रिकॉर्ड कर। हाँ तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। एक बार देखिए, जब भी आप पिवट टेबल लगाते हैं आप एक बार डेटा को समझ ले कि आपका डेटा क्या है, राइट। ठीक है। इसलिए मेरा ये सेल्स का डेटा है, इसमें नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे, किस अमाउंट पे, किस जोन को, किस वेबसाइट से, और उसका मोड क्या था, ऑनलाइन था या डायरेक्ट था या रेफरेंस था, या फिर पेमेंट किससे हुई थी, नेट से हुआ था, क्रेडिट कार्ड से हुआ था या डेबिट कार्ड से हुआ था, और उसका स्टेटस क्या है, ठीक है ना। एच एंड डी में दो स्टेटस है, होल्ड है और डिस्पैच है। ठीक अब इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम इंसर्ट में आते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल में दो चीजें है, न्यू सीट मतलब एक नई सीट इंसर्ट करके उसमें पिवट लगा, या फिर कोई ऑलरेडी किसी एक सीट पे पिवट लगा रखी है उस पर लगाना। तो फिलहाल हमने न्यू सीट को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करते हैं आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए इसमें दो, इसमें जो है चार चीजें हैं। पहला है आपका रो, कि आपका रो में डेटा कौन सा आएगा। दूसरा आता है कॉलन, आपका कॉलन में डेटा क्या आएगा। वैल्यू कैलकुलेट क्या होगा, और फिल्टर, क्या इसको किसी फिल्टर का यूज करना है कि नहीं करना है। तो अभी आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए नेम वाइज कितनी क्वांटिटी सेल की गई है, ओके सिंपल। तो हमने यहाँ पे ऐड जो दिख रहा है आपको रो में, हमने नेम को ले लिया, तो यहाँ पे देख पा रहे कि नेम आ गया, और ठीक वैल्यूज में हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पे आपका क्वांटिटी आ गया। ठीक अब मैं चाहता हूं कि नेम किस सिटी में उसने सेल किया, किस सिटी में सेल किया। तो रो में एक बार और मैं यहाँ सिटी को लेता हूं, तो आप देखेंगे सिटी आ गया आया। अब जैसे बट वो सीटी। आपका कहना है कि सिटी हमारा बी कॉलम में आया, राइट, कि ए में ही नीचे आना चाहिए, जैसे कि जनरली एक्सेल में होता है। अगर एक्सेल में आप जाएं, मैं एक बार दिखाता हूं एक्सेल में कि पिवट टेबल जब लगाते हैं तो कैसा होता है। ओ सॉरी, दूसरा फाइल ओपन हो गया। वी लुक अप वन को ओपन कर देते हैं। डेटा है हमारे सेम है, हमने इसको लिया, लेने के बाद इंसर्ट पिवट टेबल का। तो पिवट टेबल में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रीजन ले लिया, ठीक है, और रीजन के बाद हमने मान लीजिए प्रॉफिट यहाँ ले लिया। तो किस रीजन में क्या प्रॉफिट है मुझे यहाँ दिख गया। अगर मैंने मान लीजिए जोन को वापस यहाँ रखता हूँ, यहाँ दिख पा रहा आपको कि यहाँ पे दिल्ली और इसी के नीचे जोन आया, तो आप यही चाहते थे। जी अब गूगल सीट में ये फैसिलिटी नहीं दिख रही, ठीक हाँ है, गूगल सीट में ये फैसिलिटी नहीं दिख रही कि गूगल सीट में हमेशा, क्योंकि गूगल सीट जो है सर 2003 का जो एक्सेल था ना उसके ऊपर डिपेंड करता हाँ है। जैसे कि अगर इसी रिपोर्ट को अगर मैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन के अंदर डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल दिख रहा है ना, क्लासिकल पिवट टेबल मतलब ठीक है समझ गया। मोमेंट था हाँ उसमें होते ही देख रहे हैं ठीक आप। है तो गूगल सीट जो है, हम गूगल सीट का जो स्ट्रक्चर है ना सर, वो 2000 हाँ के एक्सेल के बेस पे है। तो ठीक इसमें है। आप एक मोर देन रो सेक्शन में मोर देन डेटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेम कॉलम में नहीं होगा, अच्छा सेम कॉलम में नहीं होगा। और अगर मुझे वो फिल करना है फिर रिपीट करना पड़ेगा। नहीं, रिपीट करेंगे तो फिर वही जैसे अमर ही नीचे आ जाएगा। अजय अमर 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 फील हो जाएगा। हाँ, वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिवट टेबल को हम एक्सेल में, पिवट टेबल को पिवट फेल टेबल फॉर्म पे यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इसको हम लोग कॉपी करके और किसी और जगह पे इसको पेस्ट है जो वैल्यू कर देते हैं पेस्ट स्पेशल में, मतलब पिवट टेबल को रिमूव कर देते। तो रिमूव करने के बाद क्या होता है कि अब इसमें फिल्टर लगाऊंगा तो क्या होगा, अमर का फिल्टर यहीं पे आएगा ना सर, क्योंकि हाँ पिवट था तब पता था कि ये अमर जो है इन सबो सिटी का सेल्स है। जब पिवट हट गया सही है एक्सेल को थोड़ी पता है कि इसके आगे अमर है।
वो फिल्टर लगाएंगे तो सिर्फ अमर का यही सही दिखेगा बात है, ना, यही उस केस में दिखेगा। हमें रिपीटेशन इस तरह से चाहिए होता है, हाँ ठीक समझ गए। है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं पिवट में। तो ठीक सबसे पहले हम पिवट टेबल को समझते हैं कि पिवट टेबल आखिर है क्या, राइट सर। सर। देखिए हमारे पास डेटा मिलता है, डेटा होता है क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन, माने कि हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हम एक डेटा एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स को छोड़ देते हैं, आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे मैं जितना बार विजिट करूंगा उतना बार आपको विजिट एंट्री आपके डेटाबेस में ऐड होगा कि मैंने आपके डेटा पे विजिट किया है, समझ गए। अब पिवट, अब आपको पता करना है कि हमारे कितने यूनिक विजिटर्स हैं, पहली चीज। दूसरी, कौन कौन हमारे हमारे डेटा पे रिपीट आया है, मतलब कि रीडायरेक्ट हुआ है, मतलब कि रीविजिट किया है। अगर किसी ने एक बार आपके साइट को विजिट किया और छोड़ दिया, इसका मतलब है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड टाइम वो नहीं आया, इसका मतलब है कि वो आपके काम और आपकी वेबसाइट से इत्तेफाक नहीं रखता है। लेकिन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आया, मतलब कि आपकी वेबसाइट और आपके प्रोडक्ट, जो भी आपका वेबसाइट का कंटेंट है, उस पर इंटरेस्टेड है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। किसके लिए? प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब प्रीमियम हो गया, लिंक्डइन प्रीमियम हो गया। वो लोग आपको जैसे अकाउंट खोलते अप्रोच नहीं करेगा, वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, उसके बाद अप्रोच करेगा। तो सेम थिंग कि डेटा क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, तो हमें एक रिपोर्ट के लिए एक समरी तैयार करना होता है। और समरी क्यों तैयार किया जाता है? समरी तैयार किया जाता है हमें हमें हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे हम डिसीजन ले सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आईपीटी इंडिया और सुजीत कुमार दो वेबसाइट है, दिख रहा है आपको। हाँ अब मान लीजिए कि किसी कंपनी ने मुझे अप्रोच किया कि आप अपनी एक वेबसाइट मुझे बेच दो, तो मैं ऐसी वेबसाइट भेज दूं, नहीं, या फिर किसी मैंने किसी कंपनी को अप्रोच किया कि मेरी वेबसाइट ले लो, तो दोनों वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एनालिटिक्स करेगा और पता करेगा किस वेबसाइट से मैं रेवेन्यू सबसे ज्यादा आ रहा है हाँ और डील क्या मिल रही है। मान लीजिए कि ओवर इतना डील दिया जो हमारा वेबसाइट एक साल में कमा के दे देता है, तो क्या लग रहा है, वो डील करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए ना। तो ये सब चीजें पता कैसे चलेगी, क्योंकि हमें जो हमारे पास तो कई सारे वेबसाइट्स हैं, तो हमें तो जो इनपुट मिल रहा है वो तो डेटा फॉर्म में मिल रहा है। अगर मान लीजिए किसी को दे दीजिए, इसे कैसे पता चलेगा। लेकिन इसी को एक रिपोर्ट फॉर्मेट में दूंगा तो तो उसको पता चलेगा कि हाँ, एक समरी में दूंगा तो पता चलेगा कि हाँ ये है, ठीक, समझ गए। तो हाँ हम एक समरी बनाते हैं, मतलब कि एक समराइज इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी सहायता मिलता है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। सिंपल सी बात समझ जाइए, ठीक ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपको अपने घर, अब मान लीजिए कि हम अपने घर को, घर का एग्जांपल लेते हैं, आपको अपने घर में अपने वाइफ से पूछेंगे कि यार 2021 में बहुत सारे खर्चे हुए हैं, खर्चे का थोड़ा सा हिसाब दे दो, वो क्या करेगा आपको। तो 65 दिन में, अगर एक दिन में मान लीजिए 500 सामान भी करता होगा, तो 1500 के आसपास की एंट्री दे देगा कि ये लीजिए मेरा, तो क्या लग रहा है, उसे कुछ पता चलेगा आपको, नहीं नहीं चलेगा ना। लेकिन उसी चलेगा। चीज को आपको मंथ वाइज समरी करके मिल जाएगा कि हमने इस मंथ में इतना खर्चा किया, और हर महीने के बजट के हिसाब से आप उसको माइनस प्लस करके एक एवरेज निकाल सकते हो कि आपकी वाइफ का खर्चा क्या आ रहा है, ठीक है। या फिर आपके वाइफ ने खर्चे की फरमाइश करते बोला कि यार मुझे मेरा खर्चा बढ़ा दीजिए, घर का खर्चा बढ़ा दीजिए, घर को चलाने में मैं बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको, ऐसे खर्चा नहीं चला दीजिएगा। मैं ठीक है, देखूंगा 10,000 देते थे, अब से मैं 12,000 दूंगा। हो सकता है कि बारह ना हजार ज्यादा कम हो, ज्यादा कम हो, या आपने कुछ ज्यादा ही दे दिया, तो पहले। आप क्या करेंगे, कुछ सालों का खर्चे का एनालिसिस करेंगे और आप अपने इनकम का ठीक एनालिसिस करेंगे।
आपने आपका इनकम कितना आप इस परसेंट बढ़ा है उसी हिसाब से खर्चा बढ़ाएंगे ना, हाँ सही हाँ बैलेंस ही होगा ना सर। ये तो कि अगर मान लीजिए कि 2016 से आप एनालिसिस कर रहे हैं राइट, तो 2016 में ठीक 500 रुपये आपने 500 खर्चा किया था, 900 आपकी इनकम थी राइट। ठीक 2017 में आपका खर्चा 550 हो गया और इनकम 850 हो गई, ये तो सही बैलेंस नहीं है ना क्या? नहीं सही नहीं है। क्योंकि तो आपका इनकम घटा है तो आपका खर्चा भी 450 के आसपास होना चाहिए ना सर। चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2018 में आपका खर्चा जो है मान लीजिए 600 था और इनकम जो है 1800 हो गई, तो 2019 के बजट में आप खर्चा को 900 तक ले जा सकते हैं ना सर, क्योंकि सकता आपके खर्च इनकम जो है 1800 के आसपास है, तो आप अपना बजट बढ़ा सकते हो ना 2019 में। यस तो वही चीज होती है कि आप एनालिसिस करेंगे तो इस तरह की एनालिसिस में ही आपका पीवट आता है। अब घर से रिलेटेड एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आपके दिमाग में जल्दी आएगा। और जो खर्चों का इंक्रीज होती है आपकी, मतलब जो आपके डेटा होता है ऐसे पर ट्रांजेक्शन डेटा होता है जो कि हजारों लाखों हो सकता है, अब उस डेटा से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उस डेटा को समराइज करना होगा किसी न किसी एंगल पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने समराइज किया है नेम और सिटी के अकॉर्डिंग, तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि अमर का टोटल सेल जो है वो 1098 क्वांटिटी है, और हमने यहाँ पे समराइज किया कि भाई किस किस सिटी में क्या खर्चा हो रहा है, क्या मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है उसका। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 2000 यहाँ पुणे और मुजफ्फरपुर में सेल जो है सबसे हाईएस्ट है, तो अमर में पुणे और मुजफ्फरपुर में होने वाले जो भी हमारे डिसीजन है उसमें हम अमर को इन्वॉल्व करें, बात समझ गया? क्योंकि इसमें इसका सबसे ज्यादा सेल है तो इसकी मार्केट की नॉलेज इसकी सबसे ज्यादा है, ये चीज अगर हमें पता चल गई हमें, तो इसलिए हम इस तरह की चीजें बनाती है कि नेम भाई जो पता चलता है कि किसका क्या सेल है। अब इसमें हम मुझे देखना है कि भाई क्या है, तो हम तो शॉर्ट वगैरह भी कर सकते हैं ना कि हाईएस्ट सबसे ऊपर आ जाए, तो हाईएस्ट जो है कविता जो है सबसे ज्यादा सेल किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, तो कविता का सबसे ज्यादा, कविता का सबसे ज्यादा सेल है, और मैंने देखा कि कविता सबसे ज्यादा सेल हो जय जबलपुर में कर रही है, तो जबलपुर में अगर कोई इंसेंटिव वगैरह लॉन्च होता है तो हम कविता के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कविता सबसे पहले तो हाईएस्ट सेलर है, और हाईएस्ट सेलर में भी हो जबलपुर में हाईएस्ट सेलर। अगर मान लीजिए कि इसी में हमें थोड़ी सी दिक्कत करनी पड़ गई, तो यहाँ टेस्ट नहीं यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए नहीं मुझे सिटी के हिसाब से नेम के हिसाब से नहीं चाहिए, तो सिटी के हिसाब से सेल आ जा रहा है क्या? तो बेसिकली आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहते हैं कि चाहते हैं नहीं मुझे सिटी और नेम दोनों इकट्ठा दिख गए, तो मैं कॉलन में नेम डाल दिया, तो यहाँ पे टोटल हमें दिख रहा है कि हम अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है अमर का कोई रोल नहीं, इंद्र का कोई रोल नहीं, मतलब कि दिल्ली में नीरज मोहन नीरज नीतू और ओम सेल कर रही है, ठीक है? तो सिटी के ठीक हिसाब से भी हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इसको है ठीक मैट्रिक्स फॉर्मेट बोलते हैं। तो सेम जो पिवट टेबल का जो रोल होता है ना सर, इसी चीज के लिए होता है। अच्छा आपने अभी तो जो पिवट टेबल यूज किए थे उसमें आपने अपने जरूरत के हिसाब से रिपोर्ट्स बना लेते थे, लेकिन जब मैं अभी आपको सिखाऊंगा हर एक चीज को थोड़ी सी बारीकी से सिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले आपको डेटा को है समझना है कि डेटा आपका क्या है। ओके डेटा ठीक समझने के बाद फिर है आपको ये देखना है आपके पास अगर पेन कॉपी है कलम कॉपी है तो वहीं पे आप एक ड्रॉ कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या, समझ गए? आपको ठीक चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए कि किस प्रोडक्ट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और उसका मोड क्या था। मैं बोलता हूँ आप लगाओ इसको सेलेक्ट करो सारा आप तो डेटा पिवट टेबल मेरा बना हुआ है, ठीक है।
किस प्रोडक्ट का कितना रेवेन्यू था और किस में था, ठीक है? आप रो में ले लो प्रोडक्ट, मोड में है तो अच्छा आप मोड दो था, चीज, ठीक है तो हाँ दो चीज आप एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे। आप पिवट लगाने से क्या पहले आपको क्या करना होगा, आपको डेटा को थोड़ा सा फिल्टर करना होगा, ठीक देखना है ना? पड़ेगा। हाँ फिल्टर क्यों करना पड़ रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट फिल्टर इसमें आता है, टूल्स में, डेटा में, सॉरी डेटा में, ऐड फिल्टर, क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर दिया, ये हमारा ठीक फिल्टर। है, फिल्टर क्रिएट हो गया। अब इस समझा फिल्टर नहीं क्या हुआ ये। मैं अच्छा हाँ अभी ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ना, एक बार मैं अपना प्रोडक्ट को देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट का काउंट देखूंगा क्या है, ठीक है? फिर ठीक देखूंगा है मैं जी अपना, और क्योंकि मुझे किस मोड भी पता करना है, मैं मोड जी का काउंट देखूंगा। तो मैंने देखा कि मोड का काउंट मेरा कम है, कम है ना? कम है तो मोड को कॉलम में रखेंगे। हाँ, तो ये चीज देखना जरूरी है। अब ऐसा क्यों बोला कि आपको यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया प्रोडक्ट मोड और कॉलन में नहीं, मैंने रख मोड दिया, ना नहीं, कॉलन में ये आप देखेंगे आप, समझाने के लिए। हाँ ठीक और वैल्यू में अपनी हमारी होगी रेवेन्यू, जमा अमाउंट, ठीक है ना? ठीक है अब एक चीज जानिए कि मैंने प्रोडक्ट को रो में ही क्यों रखा या मोड को मैंने कॉलन में ही क्यों रखा। ठीक देखिए इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आप दो चीज, हम लोग एवेचुअल होते हैं स्क्रॉल में लेफ्ट टू राइट, फिर बहुत कम लोग को देखिएगा हाँ कि लेफ्ट टू राइट जो है और स्क्रॉल करते हैं, राइट जनरली टॉप जाएंगे। टू बॉटम ही करते हैं, राइट? पहले चीज। दूसरा, हमारे पास रो की संख्या ज्यादा है लेकिन कॉलम की संख्या कम। अगर आप एक बार चेक कर लें कि आपका जो कॉलम में जो चीज आप रखने जा रहे हैं वो अगर आपकी काउंट में काफी ज्यादा है तो कॉलन में अवॉइड करें, क्योंकि हमें एक तो होगा कि अगर बहुत ज्यादा हुआ, मान लीजिए 10-20 हजार हुआ, तो आपका पिवट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि 256 से ज्यादा कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक तो प्रॉब्लम हो। तो मान लीजिए 100-150 ही ठीक है या 50 ही है, तो है आपको कोई भी पर्सन जो रिपोर्ट आपके देखेगी देखेगा तो वो हॉरिजॉन्टल जो है, ठीक है सर, तो हाँ थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज, अगर इसको प्रिंट आउट आपको लेना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके पेपर की साइज तो लिमिट होती है ना, हेडिंग। सही बात। तो अगर हेडिंग एक पेज पे आ गया तो अच्छी बात है, बाकी जितने भी पेज निकले वो सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे, पता चला कि आधा हेडिंग एक पेज पे निकल रहा है, आधा हेडिंग दूसरे पेज पे निकल रहा है, तो फिर उसको रिपोर्ट देखना मुश्किल हो जाएगा ना सर, समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ सर मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन जो है आपका एक पेज पे निकल गया और दूसरे पेज पे आपको ये निकल गया, तो दोनों में में कंफ्यूज चला गया। होगा ना, देखना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने चीज को बोला कि आप ये चीज करें, ठीक है? दूसरी चीज, जब भी आप पिवट लगाए, तो अभी क्या हमने पिवट 1 से लगा दिया, पिवट हमेशा 1 से ना लगाए, इसलिए क्योंकि जब कोई रिपोर्ट आप बनाते हैं तो रिपोर्ट में थोड़ा सा हेडिंग होना जरूरी है, क्या हाँ यही बोला ना सर कि आप हाँ रिपोर्ट क्या चीज के क्योंकि लिए बना रहे हैं उसका थोड़ा सा हेडिंग देना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ मर्ज, तो यहाँ देता हूँ कि सेल्स रिपोर्ट 2021 या 22 जो भी है, 22, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके हम इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे कंपनी नेम दे देते हैं, जो भी कंपनी नेम आपका है या मंथ है या कुछ और है, क्या सर? ठीक और थोड़ा सा कलर वलर भी आप कर सकते हैं, ठीक तो थोड़ा सा आपका रिपोर्ट फॉर्मेट में दिखेगा, तो ये चीज हैबिट में रखिएगा, ठीक है ना? तो इसलिए हम जब भी बोलते हैं कि आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लगा, उसके बाद रिपोर्ट की जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करना है और नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी नॉर्मल फॉर्मेटिंग करना चाहे आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हालांकि अगर एक्सेल में जाते हैं तो वहाँ फॉर्मेट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहाँ ऐसा हाँ कुछ नहीं है, हाँ पिवट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैनुअली जो फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं वो आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं।
अच्छा सर, मेरे को 1 मिनट और आप दे दो, 1 सेकेंड। मैं एक बार अपना पेज खोलता हूँ, ठीक है। मेरे को ना एक बार, मैं आपको एक बार पहले शेयर करूँ स्क्रीन। हाँ अभी मैं आपकी स्क्रीन ले रहा हूँ, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ अब शेयर कर सकते हैं आप।